अल्लाह ईश्वर खुदा माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज के इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। साथियों, आज का मुख्य जो उद्देश्य है इस वीडियो को शूट करने का वो ये है कि बहुत से जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो इलेक्ट्रोमोपैथ की मेडिसिन हम उन्हें दे देते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद बीच में जैसे कोई पेशेंट गठिया से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, थायराइड से सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग के पास जो पेशेंट आते हैं वो क्रॉनिक केसेस से सफ़र करते रहते हैं। उन्हें सफलता मिलती है, मगर उस दौरान कभी कभी किसी पेशेंट को खांसी हो गया, सर्दी हो गई या एकाएक फीवर आ गया। ये तो शरीर है, ह्यूमन नेचर है कि कुछ ना कुछ बीमारियां होते रहती हैं। तो मेरा मानना है बंधु कि यदि इस तरह के बीच में तकलीफ उन्हें होती है, कुछ भी होता है, तो जिस तरह से आप एलोपैथ की सहारा लेते हैं, जैसे एलोपैथ के चिकित्सक बंधु के पास आप इलाज के लिए जाते हैं, यदि जिस बीमारी की इलाज कराते हैं और उस बीमारी के मेडिसिन ले लेते हैं, फिर दोबारा विजिट करने के बाद ही आपको डॉक्टर साहब देखते हैं, उस तरह से हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ में भी है। जैसे मैं खुद 15 दिन के बाद पेशेंट को बुलाते हैं, तो जिस चीज़ की हम चिकित्सा कर रहे हैं उसकी मेडिसिन हमने दिया, आप घर चले गए, तो बीच में यदि आपको दूसरी कुछ भी बीमारियाँ होती है, जैसे बुखार लगना, सर्दी होना, खांसी होना, ये सब आम चीज़ें हैं, होती है, तो आप एलोपैथ की सहारा, एलोपैथ की मेडिसिन बेहिचक जो आपके लोकल डॉक्टर हैं, जो आपके आसपास हैं, उनसे जाकर ले सकते हैं। और जो हमने मेडिसिन दिया उसे बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मेडिसिन पूर्णतः हर्बल है, पौधा से बनी हुई है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसकी कोई रिएक्शन नहीं है और ना ही इसकी कोई एग्रीवेशन है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मुख्य जो है ना बेनिफिट यही है कि इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं, ना ही एग्रीवेशन होती है। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके आप ले सकते हैं हमारी मेडिसिन जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की है। उसके साथ में अंग्रेजी की दवाइयाँ कभी भी किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है, इसमें कहीं कोई डिनाय करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से पेशेंट वेट करते हैं, क्या करें, मेडिसिन लें कि नहीं लें, तो बंधु ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, किसी भी परिस्थिति में आप मेडिसिन ले सकते हैं एलोपैथ के, जो आपके आसपास अगल बगल में जो भी चिकित्सक बंधु हैं उनसे आप सलाह लेकर के आप मेडिसिन खा सकते हैं। और हमारी मेडिसिन बंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मेडिसिन चल रही है वैसा ही एक दो मिनट के डिफरेंस पे आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, ताकि जो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक हैं उनके लिए और जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से चिकित्सा ले रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियरी हो। धन्यवाद साथी।